ऑक्सीजन संकट के बीच महाराष्ट्र पहुंची देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस। नागपुर में उतारे गए ऑक्सीजन के 3 टैंकर, बाकी 4 टैंकर ऑक्सीजन भेजा गया मुंबई। ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय ने संभाला मोर्चा। जर्मनी से 23 ऑक्सीजन प्लांट होंगे एयरलिफ्ट। हर प्लांट में है 1 मिनट में 40 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन करने की क्षमता। देश में ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। सिंगापुर और यूएई से हाई कैपेसिटी ऑक्सीजन कंटेनर्स मंगवाने के आदेश। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 348 की मौत हुई है, जबकि 24 घंटे में दरअसल 24,331 नए केस सामने आए। दिल्ली के मेट्रो अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी कमी, मरीजों को किया जा रहा है शिफ्ट। हरियाणा के पलवल में फंसा है ऑक्सीजन का कंटेनर। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने की नहीं बची है जगह। जीटीबी अस्पताल के हालात डराने वाले। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 66,836 नए मामले आए सामने, 773 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के नागपुर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,485 नए केस, जबकि 82 लोगों की हुई मौत। ऑक्सीजन की मुंबई में भी जबरदस्त किल्लत देखी जा रही है, मरीजों के परिजन ऑक्सीजन के लिए भटकते नजर आ रहे हैं। एमपी के ग्वालियर में जया आरोग्य हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का भारी संकट, 30 मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में किया गया शिफ्ट। फरीदाबाद में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए बना ग्रीन कॉरिडोर, पुलिस की सुरक्षा में ऑक्सीजन की सप्लाई। महाराष्ट्र दिल्ली में सख्त पाबंदियों के बीच आया वीकेंड कर्फ्यू का दिन। यूपी समेत 6 राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन का सख्त पहरा। यूपी में नियम तोड़ने पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। उत्तर प्रदेश में 59 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन जारी। वैक्सीन और आवश्यक सेवाओं को दी गई है छूट। बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर चलेगा सैनिटाइजेशन अभियान। यूपी में कोरोना कर्फ्यू के दौरान टीकाकरण के लिए आने जाने वाले व्यक्तियों को मिलेगी छूट। बोकारो से आज लखनऊ पहुंचेगी 2 ऑक्सीजन एक्सप्रेस। पूरे रूट को बनाया गया है ग्रीन कॉरिडोर, अलग अलग जिलों में होगी सप्लाई। चंडीगढ़ में नहीं लगेगा वीकेंड लॉकडाउन। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सप्ताह के सभी दिन कर्फ्यू रहेगा। बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,876 नए मामले आए सामने, जबकि 59 लोगों ने दम तोड़ दिया। सीएम ममता बनर्जी ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर केंद्र पर उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार का लगाया आरोप। कोरोना के इलाज के लिए जाइडस कैडिला की दवा वेराफिन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। 18 से ज्यादा उम्र के मरीजों को दी जा सकेगी दवा। टीम 11 के साथ सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। रेमडेसिविर के वितरण में भेदभाव रोकने के दिए निर्देश। ऑक्सीजन सप्लाई की मॉनिटरिंग के लिए वेब पोर्टल किया लॉन्च। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की रिकॉर्ड संख्या में इजाफा हुआ। बीते 24 घंटे में मिले 37,238 नए मामले, 199 लोगों की मौत हुई। कोरोना के कहर से देश में हाहाकार। लखनऊ पश्चिम से बीजेपी विधायक सुरेश कुमार श्रीवास्तव की मौत, पॉजिटिव थी कोरोना रिपोर्ट। लखनऊ में रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर पुलिस का बड़ा एक्शन। 18 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अलग अलग थाना इलाकों में कार्रवाई की गई। उत्तराखंड में 18 साल से ऊपर सभी को मुफ्त लगेगी कोरोना वैक्सीन। सरकार ने रखा 50 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। 1 मई से शुरू होगा महाअभियान। उत्तराखंड में भी नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। फिर से मिले 4,000 से ज्यादा नए मामले। 49 लोगों ने गवाई अपनी जान। देहरादून में मिले 1,650 मामले। सीएम तीरथ सिंह रावत ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। आज शाम 4 बजे सभी पार्टी के नेता वर्चुअली जुड़ेंगे, कोरोना की रोकथाम पर करेंगे बात। प्रधानमंत्री के साथ चर्चा के दौरान गहलोत ने उठाया वैक्सीन का मुद्दा। 18 से 45 तक वर्ष के लोगों को फ्री वैक्सीन लगाने की मांग रखी। राजस्थान में कोरोना को लेकर संशोधित गाइडलाइंस जारी। अब सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें। एक जिले से दूसरे जिले में परिवहन पर भी लगाई रोक। राजस्थान में बैंकों के खुलने का बदला समय। सोमवार से सुबह 10 से 2 बजे तक ही होगा कामकाज। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद लिया बड़ा फैसला। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में मिले 15,398 नए संक्रमित, जबकि 64 मरीजों की हुई मौत। कोरोना के चलते पंजाब में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के वर्चुअल समागम की तैयारी शुरू। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दी जानकारी। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य कोविड मॉनिटरिंग कमेटी की दूसरी बैठक आज। सीएम मनोहर लाल खट्टर और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज करेंगे अध्यक्षता। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 13,590 नए मामले, 74 लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 17,397 नए कोरोना केस आए सामने, जबकि 219 लोगों की हुई मौत। कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम बघेल ने जिला पंचायत अध्यक्ष और सीओ के साथ की समीक्षा बैठक। संक्रमण रोकने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। होम आइसोलेट मरीजों का मनोबल और इम्यून मजबूत करने के लिए एमपी सरकार की कोशिश। सीएम शिवराज ने किया योग से निरोग कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ।
मध्य प्रदेश में कम होगी रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत। इंदौर एयरपोर्ट पर चार्टर्ड विमान से पहुंची 15,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की बड़ी। एमपी में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में 35 मिनट तक बिजली गुल होने से ऑक्सीजन सप्लाई हुई डिस्टर्ब। बेहाल मरीजों के परिजनों में अफरा तफरी, वीडियो हुआ वायरल। आईजीआईएमएस में सभी कोविड मरीजों का होगा मुफ्त इलाज। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर दी जानकारी। सारा खर्च वहन करेगी सरकार। बिहार में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 12,672 नए मामले आए सामने। सबसे अधिक पटना में 2,810 मामले। 54 लोगों की हुई मौत। बिहार में भी कहर बरपा रहा है कोरोना। राज्य के एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी रविशंकर चौधरी ने तोड़ा अपना दम। अस्पतालों की हालत बेहद खराब। तेजस्वी यादव ने राज्यवासियों के नाम लिखा खुला खत। कोरोना काल में बदहाल चिकित्सा व्यवस्था को लेकर साधा सरकार पर निशाना। झारखंड में मुफ्त वैक्सीनेशन को लेकर सत्ता पक्ष थपथपा रहा अपनी पीठ। कहा उत्सव नहीं मनाएंगे लेकिन टीका सबको लगाएंगे। बीजेपी बोली ढोल पीटने की नहीं है कोई जरूरत। सीएम हेमंत सोरेन ने सेनिटोरियम का किया निरीक्षण। कहा लगातार बढ़ाई जा रही है बेडों की संख्या। बढ़ाए जा सकते हैं 400 से 550 बेड। झारखंड में कोरोना संक्रमण से सांस पर संकट। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी। दर दर भटकने को मजबूर है परिजन। झारखंड में आए कोरोना के रिकॉर्ड मामले। पिछले 24 घंटे में आए 7,595 नए केस। 106 लोगों की हुई मौत। केरल में अगले 2 दिन लॉकडाउन जैसे कड़े प्रतिबंध। केवल जरूरी सेवाओं को ही इजाजत। एमपी के छतरपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर के गोदाम में पुलिस ने मारा छापा। पुलिस ने 70 ऑक्सीजन सिलेंडर के जब्त। लखनऊ में पुलिस ने रेमडेसिविर वैक्सीन की कालाबाजारी के खिलाफ चलाया अभियान। नकली वैक्सीन के साथ 2 लोगों को पकड़ा। यूपी के बरेली में प्राइवेट अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। कोरोना मरीज के शवों की अदला बदली से नाराज परिजनों ने जमकर किया हंगामा।